बालाघाट जिले में पहली बार नारियल पानी मिलेगा आपके द्वार। प्राकृतिक नारियल पानी पीजिए, रोगों से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। शहर में मशीन घूमने का समय, रेंजर कॉलेज के सामने प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक, सिविल लाइन दीनदयालपुरम कॉलोनी प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, जिला अस्पताल बालाघाट के सामने 10 बजे से 12 बजे तक, बस स्टैंड कालीपुतली चौक में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, हनुमान चौक में 3 बजे से 4 बजे तक, आरोग्य हॉस्पिटल के सामने शाम 4 बजे से 5 बजे तक और गोंदिया रोड अंबेडकर चौक में शाम 5 बजे से 6 बजे तक। आधुनिक मशीन द्वारा 100% शुद्ध और स्वच्छ नारियल पानी के लिए संपर्क करें। कृष्णा कोको फ्रेश, वार्ड नंबर 13, बूढ़ी बालाघाट। जिले में जब भी पर्यावरण और जैव विविधता की बात होती है तो कान्हा नेशनल पार्क के खूबसूरत जंगल और ऊंचे ऊंचे साल के वृक्ष जेहन में कौंध उठते हैं। पहाड़, नदियों और नालों के बीच घने जंगलों से आच्छादित वन क्षेत्र की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ दुर्लभ वन्य जीवों, पक्षियों, वृक्षों एवं वनस्पतियों के पौधे प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। आइए विश्व पर्यावरण दिवस पर एक नज़र डालते हैं जिले के खूबसूरत जंगल, पहाड़, तालाब और यहाँ विचरण करते वन्य प्राणियों पर। कान्हा नेशनल पार्क की खूबसूरती यहाँ मौजूद सघन वनों के कारण ही लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन इसके संवर्धन के लिए जो वन अमला यहाँ तैनात है उसकी भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कान्हा नेशनल पार्क के दो बफर जोन समनापुर और खापा प्रमुख है। इन दोनों बफर जोन का प्रभार इन दिनों एक महिला फॉरेस्ट ऑफिसर सीता जामरा को है, जिनके द्वारा इस क्षेत्र के संवर्धन और संरक्षण के साथ पर्यावरण को सहेजने के लिए वन्य कर्मियों के साथ मिलकर निरंतर प्रयास किए जाते हैं। आइए उनके द्वारा क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों पर डालते हैं एक नज़र। नगर में सुरक्षित व्यापार को लेकर व्यापारी काफ़ी जागरूक नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कैट के तत्वावधान में 3 व्यापारी संघ ने मिलकर 3 दिनों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें नगर के सभी व्यापारी, उनके परिवार के सदस्य और उनके दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। वही व्यापारी संगठन कैट ने यह निर्णय लिया है कि जब सभी व्यापारी और उनके दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाएगी, तब उनके दुकानों के सामने एक स्टिकर लगाया जाएगा, जिससे वे ग्रीन जोन में आ जाएंगे और वे सुरक्षित व्यापार कर सकेंगे। वही इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में व्यापारियों के साथ अन्य कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगा सकता है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर लगभग 1.5 माह बाद बाजारों को 15 दिनों के लिए अभी अनलॉक किया गया है, जिससे सभी दुकान खुल गई है, जिससे कि अब संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है
और इससे बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है। इसी को ध्यान में रखते हुए कैट के द्वारा बालाघाट कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, FMCG सुरक्षित व्यापार संघ, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से 3 दिवसीय वृद्ध वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन आज से चल रहा है। आगामी 5 जून, 7 जून एवं 9 जून को 3 दिवसीय वृद्ध वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन कर नगर के सिंधु भवन में किया जा रहा है। प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित वैक्सीनेशन शिविर में व्यापारियों, परिवार के सदस्य और व्यापार में काम करने वाले कर्मियों को प्रमुखता से वैक्सीनेशन करवाया जाएगा, ताकि व्यापारी और व्यापार सुरक्षित हो सके। उनके द्वारा इन 3 दिनों में 3,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं व्यापारियों ने यह भी निर्णय लिया है कि जब व्यापारियों और उनके परिवार और काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाएगी, तब उनकी दुकानों के सामने एक ग्रीन स्टिकर लगाया जाएगा, जिससे कि वे सुरक्षित व्यापार कर सकेंगे। व्यापारियों की संस्था कैट ने यह आयोजन करी है। बालाघाट मोबाइल रिटेल एसोसिएशन एमरा से सहयोग मिला, बर्तन व्यापारी संघ से सहयोग मिला, FMCG व्यापार उनके इंडस्ट्री से सहयोग मिला। इसके अलावा दूसरी व्यापारिक संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सुरक्षित व्यापार, सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बालाघाट मोबाइल एंड चैम्बर्स, इन्होंने भी सहयोग दिया। और इस आयोजन में व्यापारियों ने व्यापारियों के लिए एक वैक्सीनेशन का आयोजन किया। ये 3 दिवसीय आयोजन है, 5, 7 और 9। हमको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, हम व्यक्तिगत लोगों तक पहुँच बनाए, उनको मैसेज के माध्यम से हमने खबर पहुँचाई, व्यक्तिगत पहुँचे। लगभग हमको 700 का लक्ष्य है, चूँकि हमारा वैक्सीन ही 700 अवेलेबल है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कई कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों को मोबिलाइज कर रहे हैं आप वैक्सीनेशन? सर, हम प्रोत्साहित कर रहे हैं जाकर के दुकान पर कि आप स्वयं भी लगवाएं, अपने परिवार को भी सुरक्षित करें, और साथ में अधीनस्थ कर्मचारी जैसे आपके नौकर है या फिर से ड्राइवर है या हमाल है, इनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आ और वैक्सीनेट करवाएं। यदि वो वैक्सीनेट होते तो नेचुरली कोविड से बचाव हो सकता है। भैया, बर्तन एसोसिएशन और कैट संस्था द्वारा आज हमने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सिंधु भवन में रखा हुआ है। इसमें हम अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन कराना चाहते हैं, जिसमें अभी तक के 500 लोगों का वैक्सीन हो चुका है। अभी आधा ही दिन हुआ है, इसमें 500 लोगों को हमने वैक्सीनेशन करा चुका है, और हम चाह रहे हैं कि शहर के पूरे ज़िले के लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, सारे व्यापारी अपना वैक्सीन कराएँ, उनके जितना स्टाफ है, उनका परिवार है, सब लोग सुरक्षित रहें, तो व्यापार सुरक्षित रहेगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। ये कैंप 3 दिन के लिए लगा हुआ है, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख। कि हम व्यापारियों को एक पोस्टर बना के दे रहे हैं, उसमें लिखा रहेगा कि जिनके दुकान में उस दुकान के मालिक एवं कर्मचारी वैक्सीनेटेड हो गए हैं, तो एक उसमें हम उनके दुकान में वो पोस्टर लगा देंगे, जिससे आने वाले ग्राहक को भी मालूम पड़ेगा कि यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारी और उस दुकान के मालिक पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं और वो सुरक्षित हैं करके। रेल परियोजनाओं से जुड़े मामलों को लेकर बनाए गए संगठन ब्रॉडगेज संघर्ष समिति को आज 24 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस मौके पर ब्रांसस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के नेतृत्व में स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही स्टेशन अधीक्षक HL कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि अब जबकि देश अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ गया है, तो परिवहन के प्रमुख साधन रेलगाड़ियों का संचालन शुरू किया जाए। कटंगी तिरोड़ी ब्रॉडगेज लाइन का CRS निरीक्षण हो चुका है। इस रेल मार्ग पर बालाघाट वाराणसी, कटंगी तिरोड़ी, तुमसर, भंडारा, नागपुर के मध्य लोकल गाड़ियों का संचालन शुरू किया जाए। उनके साथ इस मौके पर शेषराम रहांगडाले, श्याम पंजवानी, राहुल सिंह बैस, राजा नकपुरे, नितेश सिंह, आनंद घोष और संदीप कुमरे उपस्थित थे। साथ ही स्थापना दिवस भी मना रहे हैं हम, और इस मांग के साथ कि बालाघाट से जबलपुर की दिशा में और बालाघाट से रायपुर नागपुर की दिशा में जो प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बालाघाट से यात्रियों का आवागमन होता है, उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए हमारा रेल प्रशासन से आग्रह है कि कुछ लोकल ट्रेन्स बालाघाट से रायपुर की दिशा में, बालाघाट से जबलपुर की दिशा में, और बालाघाट से जो ये कटंगी तिरोड़ी का ब्रॉडगेज का नया ट्रैक प्रारंभ हुआ है, जिसका CRS निरीक्षण भी हो चुका है, यह बालाघाट जिले का अपना एक लोकल का रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग पर भी ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जाए, इस मांग के साथ हम ब्रॉडगेज संघर्ष समिति का 24वां स्थापना दिवस यहाँ मना रहे हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर शनिवार को जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय बालाघाट में छात्र नेताओं ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा भूपेंद्र सोहागपुरे ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के अभाव में पृथ्वी कई रूप से प्रभावित हो रही है। पृथ्वी का प्रभावित होना जनजीवन के लिए घातक सिद्ध होने लगा है। वर्तमान में कोरोना काल में भी ऑक्सीजन की कमी से कई लोग काल के गाल में समा गए हैं। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। वृक्ष बचाकर ही हम प्रकृति का संतुलन बनाए रख सकते हैं। देखने में आ रहा है कि वृक्ष हम लगाते तो हर साल बहुत सारे हैं, लेकिन वृक्ष बड़े नहीं होते। इसलिए महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने इस बार संकल्प लिया है कि हम जहाँ जहाँ भी वृक्षारोपण करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो वृक्ष बड़े भी हो, उनको बड़े करना है। अभी देखा है महामारी के दौरान कैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण, पहली बार ऐसा मौका आया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग नहीं रहे, असमय काल में काल के मुंह में चले गए। इसीलिए सब युवाओं को मिलकर संकल्प करना चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, ताकि ये जो जल स्तर कम हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इन पर हम विजय प्राप्त कर सकें और अच्छा पर्यावरण, स्वस्थ जन, स्वस्थ मानव, इसकी कल्पना को लेकर हमने ये महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। इसके बाद हम बारिश में भी चरणबद्ध वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित करेंगे।